अबे झगड़ा हो गया भाई उधर। तो दोस्तों ऐसा हो गया कि शादी में यार है ना झगड़ा हो गया। हम लोग बहुत मतलब मिजाज से कहे थे कि चलो खाना पीना खाएंगे और मस्त रहेंगे, लेकिन दरअसल ये भाई की अला बारात वाले ही झगड़ा कर दिए, उसके बाद हो गया लफड़ा। उसका वीडियो मैंने दिखाया दोस्तों, आप बताइए किसकी गलती थी, है ना। क्या हाल है कौन भाई लो अपड़ो हाँ तो केले का चलेगा सलाद, थोड़ा सा इसमें डाल दो, इसमें हल्का से थोड़ा सा भाई। अरे यार डिजाइन फर्स्ट क्लास का। ये झगड़ा कर मार गई, ये मरता मार हो गए रे। अरे अरे झगड़ा हो गया यार उधर। अरे रे सलाद, अबे झगड़ा हो गया रे उधर। इधर आओ इधर। अरे भाई साहब कौन है ये, कौन है, कौन है? नहीं नहीं ये लवंडा हो तो ठीक है। अरे यार झगड़ा कर दे रहे सब यार सब। अरे भाई साहब झगड़ा, अरे यार झगड़ा खतरनाक पूरा हो गया, मारी पीटा कर रहा था। भाई साहब गाओ कैसे गाओ गल अपन ये ना ना जो सुतल ने अल्लाह बोला था मैंने छोड़ाव थी। हाँ पी के हुआ है सर, पी के हुआ। नाचने के चक्कर में झगड़ा हो गया। अरे आए आए भाई, सारे हम बीड़ी पागल है सब बताओ। अरे वीडियो पूरा बना रहा हूँ खाली, तो झगड़ा करते बहुत। ए चलो यार झगड़ा बड़ा कुछ देखा चल जाओ। अरे इधर क्या होगा ले, अरे ये उधर झगड़ा कर। अरे 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 फोन करता हो।
झगड़ा कर रहा है हाई डीजे के चक्कर में भाई झगड़ा होता देख लो ये इसी डीजे अभी स्पीड बढ़ अरे 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 सब मार दे सब अरे सब मार रहे सब अरे सब उधर में जाए सब उधर अरे सब उधर अबे सब क्या कर रहे भाई अरे साले तुम सबका वीडियो बन रहा अरे सब ए बस करो यार आई तू झटका कर रहा पूरा झगड़ा कर रहे हैं सब यार तो सब हाँ भी हो चलो भैया हम लोग भी खाना खा लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे थे दोस्तों कितना ज़्यादा झगड़ा होता है दोस्तों कि खाना बिना सब खाना छोड़कर दोस्तों सब लोग छुड़ाने में लग गए थे और देखिए अभी तक दोस्तों भीड़ी लगी रहा है दोस्तों सब मान ही रहे थे इतना पी लिए दारू सब कि उनको काबू करना बहुत मुश्किल हो गया दोस्तों क्या बताया जाए। और दोस्तों मैं मजबूरी में दोस्तों वीडियो बनाना पड़ा मुझे क्योंकि यार अक्सर होता रहता है गाँव में दोस्तों जब भी ऐसा होता है ना दोस्तों तो लफड़ा हो जाता है वो भी नागिन नाच के चक्कर में और वो भी दूल्हे की साली दूल्हे की बहन थी उसके चक्कर में देंगे मतलब कि भोजपुरी गाना था दोस्तों अब उसके चक्कर में दोस्तों लड़ाई झगड़ा हो गया पी कर डांस कर उसके बाद हो गया लपड़ा। तो दोस्तों अब थोड़ा देखिए माहौल तो देख सकते हो सब छितर नितर हो गया सब ये देख ही लें दोस्तों सब लोग घबरा गए परेशान हो गए भाई झगड़ा हो गया तो गांव में जानते हैं कैसा होता है कि सब दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ता है। जैसा देखिए ये वाला देखिए भाई साहब अभी देखिए लोग खाना खाएंगे कि झगड़ा करेंगे बताइए ये सब। अब दोस्तों ये देख लीजिए अभी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हुआ है समझाने के बाद तब जाके दोस्तों थोड़ा शांत हुआ है लेकिन लेकिन क्या बताएं दोस्तों कुछ पियक्कड़ होते हैं जो आ जाते हैं लोग ना तो दिक्कत बहुत होता है और हर शादी विवाह में दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं अब अभी देखिए भाई साहब अभी देखिए ये देख लीजिए कैसा माहौल लग रहा है मतलब शादी के शादी वाले दिन में दोस्तों अगर झगड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा मतलब लड़की की भी इज्जत होती है कि नहीं होती है ऐसा होता है लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को लेकर तुरंत झगड़ा कर लेते हैं दारू पीने के चक्कर में दोस्तों झगड़ा होने का काम कर देते हैं। तो भाई साहब अभी देखिए क्या बताया जाए मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही दोस्तों और गाना चल रहा था दोस्तों वो भी
हिंदी, तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए दोस्तों मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। बाकी दोस्तों हम लोग की कार वहाँ पर है, मेरे दोस्त की कार है, तो हम दोस्तों कार से ही आए थे और अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी तो हम दोस्तों वहाँ पर आए थे। लेकिन दोस्तों क्या किया जाए बताओ आप, ऐसे लोग अगर आ जाएँ गाँव में शादी विवाह में, जानते हैं दोस्तों गाँव में अक्सर दारू पी कर ही लोग आते रहते हैं शादी विवाह में ताकि एक दूसरे की इज्जत पर बात कर सकें, ऐसा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल न्योता मत दो, शादी मत बुलाओ। बस मैं इतना कहूँगा कि जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको शादी में पूछो ही मत, वो साले बेकार होते हैं, एक अपनी तो इज्जत ख़राब करके बैठे ही होते हैं, दूसरे की इज्जत करने ख़राब करने में आगे ही रहते हैं, तो उन लोग को बिल्कुल मत पूछो। बल्कि आप शांति से कम लोग लेकर बराती आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वैसे लोगों को मत बुलाओ जो कि बेइज्जत करने के लिए आए, वो भी शादी विवाह में एक लड़की के घर पर, वो भी गरीब परिवार, गरीब हो या अमीर हो, लेकिन दारूबाज लोगों को बिल्कुल बतलाओ यार। हाँ ठीक है, पी रहे हो खा रहे हो बात अलग है, वो अपना पर्सनल चीज़ है, लेकिन किसी की शादी विवाह में लड़ाई झगड़ा करना, उसकी इज्जत को मिट्टी मिलाना, ये सब सही चीज़ नहीं है दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर। अगर किसी भाइयों को मेरी बात बुरी लगी हुई तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, लेकिन क्या दोस्तों ऐसा बोलना पड़ गया मुझे, क्योंकि बोलना ही पड़ेगा। कम बराती रहेंगे वो सबसे अच्छा होगा, उसका सेवा सत्कार भी होगा और वो अच्छे से भी लोग रहेंगे। लेकिन ज़्यादा लोग में पियक्कड़ ऐसे आ जाते हैं जो दारूबाज होते हैं, तो वो लफड़ा कर देते हैं और इज्जत की वाट लगा देते हैं, जैसा कि आपने देखा वीडियो में कैसे नागिन डांस के चक्कर में, वो भी बाराती वाला था, वो भी अब पता नहीं कौन था कैसा, मतलब किसके चक्कर में हुआ लफड़ा, लेकिन नागिन डांस के चक्कर में हुआ था लफड़ा, थोड़ा सा हुआ था, मुझे लगा कि चलो कुछ नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि नागिन डांस के चक्कर में तो ऐसा हो गया लफड़ा। तो अब क्या किया जाए दोस्तों बताइए आप। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ओके, टाटा बाय बाय।